वेक्टर एनालिसिस का फोर्थ इसका फोर्थ वीडियो है। हम लोग क्या देख रहे थे, वेक्टर एनालिसिस। ये जो है वेक्टर एनालिसिस, ये 10.2 एनसीईआरटी का चैप्टर 10.2। इसमें हम लोग इससे पहले 10.1 देख चुके थे कंप्लीट, उसके बाद 10.2 का एक वीडियो स्टार्ट किए थे, थर्ड वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग किए थे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सोचते हैं, इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दैट मींस अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे एक यूनिट वेक्टर निकालना है, एक एफ इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। यानी यूनिट वेक्टर की हमारा फार्मूला था, क्या फार्मूला था, ए वेक्टर जो वेक्टर है उस वेक्टर को, मतलब जिस डायरेक्शन में बोला वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो ही हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। और हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर। इसमें भी यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, लेकिन इसमें इससे पहले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए था। यहाँ पर क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। यहाँ पर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किस डायरेक्शन में, पी क्यू में। P and Q are the point 1, 2, 3 and 4, 5, 6. यहाँ पे P का point ये है और Q का point ये है। P और P, Q का point दिया हुआ, तो मुझे unit vector निकालना in the direction of PQ। सबसे पहले हम लोग PQ निकाल लेते हैं। PQ is equal to, इसे बताए थे, ऐसे निकालेंगे Q minus P। बोले थे ना PQ निकालने के लिए इसे P से Q, P से Q तरफ जा रहा है ना, इधर सब माइनस करते Q माइनस P, जैसे A B बताया था मुझे, A B तो B माइनस A किए थे, तो यहाँ से हम लोग क्या किया Q माइनस P। अब Q का वैल्यू क्या है, ये वाला 4i प्लस 5j प्लस 16 माइनस ऑफ P, P है 1i प्लस 2j प्लस 3k, तो हो जाएगा q माइनस p। और हम लोग देखेंगे इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब i को i के साथ माइनस करेंगे, j को j के साथ, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। यानी i को i के साथ माइनस करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, ये हमारा क्या आ जाएगा pq वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना, pq वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी इसका पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, ये पी क्यू वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, और पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं, सबका स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग करके सबका रूट करते हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड करके रूट कर देते हैं ना उसको, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 3 था इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9। और देखिए तो ये हो जाएगा रूट 27, 27 को हम लोग बोल सकते हैं 3√3, यानी पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आया 3√3। अब हम लोग को क्या निकालना था, पी क्यू का यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेच है इसमें बनाते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यानी पी क्यू का यूनिट वेक्टर। कैप से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। मैग्नीट्यूड यानी ये हम लोग PQ वेक्टर से देखे थे 3i प्लस 3j प्लस 3k था, और अगर यहां से देखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड कितना है 3√3, तो सबके सब कटेगा 3√3 कितना हो जाएगा 1/√3, 3 कटेगा i 3 by 3 root 3 कटेगा 1/√3 j, और ये 1/√3 k, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी हमको निकालना था क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, यानी PQ का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना था। तो किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे, PQ वेक्टर और नीचे क्या उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी PQ का मैं मोड, ठीक है। इससे पहले नहीं देखा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है। इस टाइप से हम यहां से PQ निकाल लेंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। फोर गिवन वेक्टर्स, क्वेश्चन 9, फोर गिवन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स, ए वेक्टर इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस टू के, टू आई माइनस जे प्लस टू के, एंड बी इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए हम निकालना है क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, इससे पहले क्या था, चलिए चलिए इससे पहले क्वेश्चन इसी टेंशन। अब मुझे निकालना क्या, ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी इसको कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ए प्लस बी क्या यूनिट वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ए प्लस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में निकालना हो तो वेक्टर के ऊपर में लिखेंगे नीचे उसका मैग्नीट्यूड, यानी ए प्लस बी के डायरेक्शन में निकालना है तो ए प्लस बी ऊपर में नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं, वेक्टर प्लस और बी वेक्टर, इसके सॉल्यूशन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए वेक्टर क्या था, टू आई माइनस जे प्लस टू के, प्लस बी वेक्टर आर प्लस जे माइनस के, इस टाइप से हमारे क्वेश्चन था। अब इसे ऐड करेंगे तो टू आई माइनस टू आई माइनस आई, यानी आई हो जाएगा माइनस जे प्लस जे, तो ये तो जीरो जे, टू के माइनस के तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी हमारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना आया, ए प्लस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल इतना हो। अब अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका ही कर लेते हैं, वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर, ये वन प्लस जीरो प्लस वन, यानी कितना आ जाएगा, ये रूट टू। अब इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे, वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके यूनिट वेक्टर ऊपर में वेक्टर को लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या था, ए आई जीरो जगह नहीं लिखते, पहले क्या लिखते हैं, नीचे क्या है रूट टू, यानी अगर इसके साथ डिवाइड, वन बाय रूट टू आई प्लस वन बाय रूट टू, यानी इसके साथ भी डिवाइड करके इसके साथ भी के, इसमें जे को नहीं लिखे थे क्योंकि जे वाला टर्म क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो इस टाइप से हमारा आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ये हमारा आ जाएगा आंसर, क्लियर है यहाँ तक। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव आई माइनस जे प्लस टू के, फाइव आई माइनस जे प्लस 2k, having magnitude which has magnitude 8 units, magnitude
एक बार इस क्वेश्चन को हम अच्छा समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बनेगा भी, एक बार इसको समझने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट्स, ये जो एक वेक्टर दिया हुआ, ये एक वेक्टर की बात है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर निकालना है, व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। मतलब क्या बोला है, वेक्टर निकालना, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, इससे पहले हम कुछ वेक्टर निकाले थे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब हम क्या पूछा था, एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी यूनिट वेक्टर में हम लोग करना क्या था कि एक वेक्टर ही निकालना था, एक सिंपल वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 1 था। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या, एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अच्छा, वन निकालने की सिंपल बात था कि जितना वेक्टर पे जो वैल्यू था उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, जैसे a का निकालना था a by मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो उसको 1 आ गया था। अब मुझे 8 बोला है, कैसे निकाले, और 10 बोलता यहाँ पर निकाल कर 6, जिसका यूनिट 6 हो, कैसे निकाले। थोड़ा सोचिए, मान लो उसका एक वेक्टर हम लोग निकाल लिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 आया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आया, और इसको अगर हम लोग 8 से मल्टीपल कर दे, 8 से गुणा कर दे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 होगा कि नहीं। यानी पहले तो वन आएंगे, उसको उससे मल्टीपल कर देंगे जितना बोला है, जैसे दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लिए, यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब उस 1 को हम लोग 8 से मल्टीपल कर देंगे तो उसका कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। मतलब एक वेक्टर निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी यूनिट वेक्टर, और जितना मैग्नीट्यूड बोला उससे उसको गुणा कर देंगे तो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। चलिए फिर से करते हैं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर का, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i - j + 2k, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये 1, ये 4, हमारा कितना हो जाएगा, रूट 30, ठीक है। अब एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ है तो क्या हो जाएगा, 5j + 2k डिवाइडेड बाय रूट 30। क्या है ये जो वेक्टर है उसको इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ही होता है f is equal to a vector upon magnitude of a vector, यानी a vector का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देखेंगे तो a vector ये वाला लिखे हैं, magnitude कितना है, root 30 से डिवाइड कर दिए, सबसे इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 by root 30 i minus 1 by कुछ नहीं था तो 1 था, root 30 j plus 2 by root 30, यानी ये हमारा एक यूनिट वेक्टर बना, ये जो वेक्टर आया एक यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अभी 1 है, मुझे 1 नहीं चाहिए, ये जो आया इसका यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर जो आया वो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 है, यूनिट मतलब 1 है ना। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक वेक्टर निकाले जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 हो, 8, तो क्या करेंगे, ये जो वेक्टर आया ये 1 है, अभी तक ये 1 है ना, ये जो 1 हम लोग 8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा। अब हम लोग यहां से लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, जो हमको मांगा था रिक्वायर्ड वेक्टर 8 into that 5 by root 30i minus 1 by root 30j plus 2 by root 30k, लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या इस आगे लाइन लिख सकते हैं, 8 के अंदर मल्टीपल, ये हो जाएगा 40 बाय रूट 30 आर माइनस 8 बाय रूट 30 जे प्लस 16 बाय रूट 30 की, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर चलिए इसको लिखिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये जो आंसर आया, ये क्या आया, एक वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड 8 है,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये 8 है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक भी कर सकते हैं इसको कि इसका मैग्नीट्यूड 8 है कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग चेक करते हैं ना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इस करेंगे, इसका इस करेंगे, इसका इस करेंगे, तीनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे। आप ऐड करके देखोगे 8 ही आएगा, ठीक है। यानी इसी सेम क्वेश्चन का सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, ये यूनिट वेक्टर आया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इससे पहले दो तीन तीन क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। सेम प्रोसेस क्या करेंगे, वो जो वेक्टर था, वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 30 आया था, 30 से इसको डिवाइड कर दिए। फिर इसका क्या बोला था, 8 होना चाहिए, तो 8 से सबको मल्टीपल कर दिए। ये हमारा हो गया था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्ट, हां यूनिट सॉरी यूनिट नहीं, एक वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सो दैट द वेक्टर्स 2i-3j+4k एंड -4i+6j-8k को लीनियर। अच्छा एक वर्ड है यहाँ पर कोलिनियर, कोलिनियर कोई न्यू नहीं है, हम लोग क्लास 10 में देखे थे, 11 में देखे थे, कंटिन्यूअस देखे आ रहे हैं। कोलिनियर हिंदी में उसको सम रेखीय बोलते हैं। ये कोलिनियर अगर इसको हम लोग ब्रेक करें, कोलिनियर इसी से को मतलब होता है सेम, लिनियर मतलब क्या होता है लाइन ना, सरल रेखा मतलब सेम लाइन, जो सेम लाइन में होगा उसी को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे ना। ये देखिए यहाँ पर तो दो लाइन दिया हुआ, सपोज दैट यहाँ पर दो लाइन दिया हुआ है हम लोग, एक लाइन वेक्टर मतलब क्या है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक पॉइंट में नहीं है, पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। पूरा लाइन है मतलब इस टाइप से एक लाइन है, ये वाला वेक्टर मान लेते हैं ए है और ये वाला बी है, तो ये भी एक स्ट्रेच लाइन है, तो दोनों को दिखाना है कि ये कोलिनियर है। अच्छा मान लेते कोलिनियर मतलब होता क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन है, तो दोनों की स्टेप हम लोग जोड़ देंगे इस टाइप से, तो ये कोलिनियर दिखेगा, एक ही लाइन है ना सर देखा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। अगर मान लेते हैं ये लाइन, इस लाइन को काट के हम लोग थोड़ा ऊपर लाएंगे इस टाइप से, अब तो ये कोलिनियर नहीं है, बट अगर इसको हम लोग नीचे नीचे लाते रहेंगे यहाँ तक लाएंगे ये कोलिनियर होगा। यानी अगर इस टाइप से इसको रखेंगे तो ये पैरेलल है ना, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे पैरेलल दिखेगा, दोनों पैरेलल है इस कंडीशन में, दोनों पैरेलल है। अगर ये इस टाइप से यहाँ पर लाइन पैरेलल है अभी दोनों, अगर पैरेलल लाइन इस टाइप से दो लाइन पर पैरेलल दिखा देंगे, पैरेलल दिखाने के बाद अगर हम लोग दिखाएंगे दो लाइन इस टाइप से हम लोग पैरेलल दिखा देंगे, ठीक है पैरेलल लाइन है, पैरेलल के बाद अगर ये वाला मतलब इसका जो खत्म हो रहा है इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब ये और ये दोनों अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट होगा इस टाइप से, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर मतलब ये होता है लाइन। चलिए इसको कोलिनियर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन मान लेते हैं उसको ए वेक्टर इज इक्वल टू था 2i-3j+4k, बी वेक्टर इज इक्वल टू -4i+6j-8। देखिए दोनों वेक्टर में, अच्छा पैरेलल हम लोग किसको बोलते हैं, जो सेम वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर दो लाइन पर पैरेलल पे चल रही थी 2x+3y, दूसरा क्या था 4x+6y, ये दोनों लाइन पैरेलल है,
पैरेलल कब होता है? जब दोनों सेम होगा कुछ गुना होगा। देखिए ये दोनों सेम है, इसको कुछ गुना कर दीजिए, दोनों सेम होगा तो ये दोनों भी पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? अगर एक हम लोग माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको माइनस टू से गुना कर दो माइनस टू से, तो ये कितना होगा? माइनस फोर प्लस सिक्स माइनस एट, वही वाला भी है कि नहीं? सेम है ना। कि दो लाइन, दो वेक्टर या दो इक्वेशन अगर सेम एक जैसे दिखेगा कुछ मल्टीपल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। दैट मींस ये दोनों पैरेलल है। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू ए वेक्टर, इस टाइप से। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ए और बी सेम वेक्टर है, यानी ए को माइनस टू से गुना करना तो दोनों सेम आ जाएगा, इस कंडीशन में पैरेलल होगा। फिर से बात करेंगे दोनों पैरेलल हुआ, लेकिन देखिए इसका फाइनल पॉइंट, इसका जो एंडिंग हो रहा है कहाँ से? फोर से। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फोर से स्टार्ट हो रहा है। ए कहाँ खत्म हो रहा है? फोर में। लेकिन बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फोर से। तो मान लेते हैं ए एक लाइन था इस टाइप से, ए कहाँ खत्म हो रहा था? फोर में। बी एक लाइन था जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? फोर से स्टार्ट हो रहा था। ये भी पैरेलल लाइन इस टाइप से पैरेलल है, लेकिन इधर नहीं होगा, ये पैरेलल इसी टाइप से होगा ना, क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा और पैरेलल होकर इधर ही जाएगा। अच्छा, ये दोनों जब हमें पता चल ही रहा कि ये फोर से स्टार्ट, ये फोर से खत्म, ये फोर से स्टार्ट हो रहा, कि ऐसे भी हम लोग बोल सकते थे कि पैरेलल कोलिनियर है, नहीं तो उस कंडीशन में ऐसे भी हो सकता था, ये वेक्टर इधर भी जा सकता था, ये ए था इधर वाला बी था, ये ए खत्म हो रहा है बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा। लेकिन हमको दिखाना था कि ए और बी पैरेलल है, मतलब क्या? ये दोनों लाइन सेम है। पैरेलल लाइन मतलब हम लोग फिर से अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इस टाइप से, देखिए दोनों लाइन पैरेलल है। पहले तो इसको हम लोग दिखा दिए इस टाइप से दिखा दिए, तो हम लोग देखे दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद हम लोग दिखा दिए कि दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है, ये वाला इसका एंडिंग और इसका सॉरी इसका एंडिंग, हाँ इसका स्टार्टिंग, दोनों एक ही पॉइंट, अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट पे इस टाइप से होगा ना। और दोनों पैरेलल है तो सीधा सीधा होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है। तो यही रीजन है ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल हुआ। उसके बाद पैरेलल के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? कोई टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी वेक्टर आर सेम। टर्मिनल मतलब जहां पर खत्म होता है, स्टार्टिंग मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, दोनों अगर सेम है देयरफॉर क्या बोल सकते? देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। हमको तो कोलिनियर ही प्रूव करना था, ये शो करना था, तो ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया? सबसे पहले पैरेलल दिखाएंगे। पैरेलल दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दोनों सेम होगा जैसे दोनों लाइन इस टाइप से, देखिए दोनों लाइन सेम है, कुछ मल्टीपल है, और उस लाइन को दोनों लाइन सेम होगा तो उसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है? इसका जहाँ खत्म हो रहा था, इसका जहाँ एंडिंग हो रहा था, इसका स्टार्टिंग हो रहा था, दोनों सेम था, इसलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल, सॉरी इकोलिनियर। अब दिमाग में चलिए क्वेश्चन देते, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 3x plus 4y is equal to 3. इसमें लिखा हुआ 9x plus 12y is equal to 4. ये दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन को आप सॉल्व करने जैसे जाएंगे, x सॉल्व करने का मतलब क्या है? x और y की वैल्यू निकालना। आप देखोगे x और y की वैल्यू कभी आएगा ही नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? कि मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, वहां से हम लोग पैरेलल चीज को समझेंगे, ये क्यों ऐसा होता है, कैसे इसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे, इस इक्वेशन 2 माइनस 1 इनटू 3 कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 क्या था? 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 क्या था? उसको 3 से गुणा कर रहे थे हम लोग, तो ये 9x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
अब माइनस क्या करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल ये कैंसिल, इधर जीरो इधर माइनस फाइव, जीरो इक्वल टू माइनस फाइव पूरा। कभी कभी पॉसिबल नहीं है जीरो इक्वल टू माइनस फाइव या जीरो इक्वल टू फाइव, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं, ठीक है। तो देखिए इस सिचुएशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ना तो एक्स का वैल्यू आ पाएगा ना ही वाई का वैल्यू आएगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी एक्स का वैल्यू आता नहीं, इसके ऊपर टेन बना देंगे ठीक है, टेन बना देखिए एक्स का वैल्यू आएगा वाई का वैल्यू आएगा, लेकिन ट्वेल्व का तो नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अगर दो लाइन है, एक सिचुएशन पर एक लाइन होता है, एक लाइन है एक लाइन है, दो लाइन है तो दोनों लाइन जहां पर कटता है ना, जहां पर कटता है वो पॉइंट मिलता है, एक्स वाई का वैल्यू आता है ना, एक्स वाई वैल्यू क्या है जहां पर कटता है वाला पॉइंट, जहां पर इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है प्रतिच्छेद जहां पर होता है वही वाला पॉइंट देता है। यहां पर क्या था कि अगर ये लाइन दोनों लाइन यहां इस पॉइंट में कट रहा है, इसका पॉइंट क्या है 2 और 4, यानी इसका प्रतिच्छेद 0.24 आता है। ऐसा भी हो सकता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या ये कभी भी कटेगा नहीं, दो पैरेलल लाइन कभी कटता है क्या? नहीं कटता ना, जब कटेगा नहीं तो कट पॉइंट कहां का, जब कटेगा ही नहीं तो कट पॉइंट कहां का आएगा? इसलिए इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसमें आंसर नहीं आता क्योंकि वो कटता नहीं, जब कटेगा नहीं तो कट पॉइंट कहां का, तो हम लोग उसको कैसे देखते हैं, पहले है देखिए दोनों सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दीजिए, दोनों सेम है पहले है, यानी पैरेलल हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि दोनों सेम होगा बस कुछ गुणा होगा उसमें, ठीक है। उसको पहले 30 होगी क्या? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर गिवन है i+2j+3j, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है? चलिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर, कैपिटल वेक्टर ए वेक्टर, ए आई प्लस बी जे प्लस सी जे, ये कोई वेक्टर दिया हुआ, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है, एक होता है रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा ए बी सी, ये तीनों पॉइंट को लिख देते हैं तो ये हो जाता है डायरेक्शन रेशियो। अगर इससे डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोले तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, ए बाय स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग ऑफ रूट, मतलब ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय समथिंग सी बाय समथिंग, सेम है ऊपर में ए बी सी, ये जो दिया हुआ था इसका मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ये क्या है, फर्स्ट वन है ना, वन बाय रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कॉमा टू बाय रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, और एक थ्री बाय कॉमा थ्री बाय रूट ओवर वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। चलिए थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, वन बाय वन स्क्वायर वन टू स्क्वायर फोर थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस 14 हो जाएगा, वन बाय रूट 14 टू बाय रूट 14 और ये थ्री बाय रूट 14, इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्शन